ये मेडिकल इन एडमिसिबिलिटी किसको बोला जाता है? तो आप जब वीजा की प्रोसेस करते हो ना कनाडा की, तो मेडिकल लास्ट में आता है, और मेडिकल आप जो ऑथोराइज जो सेंटर होते हैं वहां पे जाके आप मेडिकल करते हो, और उसका एक रिपोर्ट सीधा डायरेक्टली जाता है सीआईसी को। तो उसमें टेंटेटिवली पूरे साल में 1000% 1000 लोगों को वीजा डिनाई किया जाता है। उसका रीजन ये होता है कि जो वहां की जो सोसाइटी है वहां पे आप कुछ इफेक्ट कर पाएंगे, या तो फिर आपको जो डिसीज हुआ है उसका इम्पैक्ट मेडिकल जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा होता है, और ये दोनों रीजन की वजह से आपको वीजा अप्रूव नहीं होता है, जिसको बोलते हैं मेडिकल इन एडमिसिबिलिटी। तो उसकी वजह से टेंटेटिवली 1000 लोगों को वीजा पूरे साल में दोस्तों नहीं मिलता है, और ये होता है क्योंकि हेल्थ केयर जो है वो वहाँ पे कनाडा में फ्री है, और उसका जो खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाती है, तो इसकी वजह से कई बार वीजा रिजेक्ट होते हैं।